address of the Honourable Prime Minister. Please join me, ladies and gentlemen, as I request Prime Minister, sir, for his inaugural address. इस ऐतिहासिक अवसर पर उपस्थित मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगीगण, देश के उद्योग जगत के प्रतिनिधिगण, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, ये समिट तो ग्लोबल है लेकिन आवाज लोकल है। इतना ही नहीं, आगाज भी लोकल है। आज 21वीं सदी के विकसित होते भारत के सामर्थ्य का, उस सामर्थ्य को देखने का, उसके प्रदर्शन का एक विशेष दिवस है। आजादी के अमृत महोत्सव के इस ऐतिहासिक कालखंड में 1 अक्टूबर 2022 ये तारीख इतिहास में दर्ज होने वाली है। दूसरा, ये नवरात्रि का पर्व चल रहा है, शक्ति उपासना का पर्व होता है और 21वीं सदी की जो सबसे बड़ी शक्ति है, उस शक्ति को नई ऊंचाई पर ले जाने का आज भी आरंभ हो रहा है। आज देश की ओर से, देश की टेलीकॉम इंडस्ट्री की ओर से 130 करोड़ भारतवासियों को 5G के तौर पर एक शानदार उपहार मिल रहा है। 5G देश के द्वार पर नए दौर की दस्तक लेके आया है। 5G अवसरों के अनंत आकाश की शुरुआत है। मैं प्रत्येक भारतवासी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, में गौरव से भरे इन क्षणों के साथ ही मुझे खुशी इस बात की भी है कि 5G की शुरुआत में ग्रामीण स्कूलों के बच्चे भी हमारे साथ सहभागी हैं, गांव भी सहभागी है, मजदूर गरीब भी सहभागी है। अभी मैं यूपी के ग्रामीण स्कूल की बेटी 5G होलोग्राम टेक्नोलॉजी के जरिए रूबरू हो रहा था। जब मैं 2012 के चुनाव में होलोग्राम लेकर के चुनाव प्रचार कर रहा था तो दुनिया के लिए अजूबा था, आज वो घर घर पहुंच रहा है। मैंने महसूस किया कि नई तकनीक उनके लिए किस तरह पढ़ाई के मायने बदलते जा रही है। इसी तरह गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा के गांवों के सुदूर स्कूल तक 5G के जरिए बच्चे बड़े बड़े विशेषज्ञों के साथ क्लास में नई नई चीजें सीख रहे हैं। उनके साथ नए दौर की क्लास का हिस्सा बनना, ये वाकई बहुत रोमांचित करने वाला अनुभव है। साथियों, 5G को लेकर भारत के प्रयासों का एक और संदेश है, नया भारत टेक्नोलॉजी का सिर्फ कंज्यूमर बनकर नहीं रहेगा बल्कि भारत उस टेक्नोलॉजी के विकास में, उसके इंप्लीमेंटेशन में बहुत बड़ी एक्टिव भूमिका निभाएगा। भविष्य की वायरलेस टेक्नोलॉजी को डिजाइन करने में
उससे जुड़ी मैन्युफैक्चरिंग में भारत की बड़ी भूमिका होगी। 2G, 3G, 4G के समय भारत टेक्नोलॉजी के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहा, लेकिन 5G के साथ भारत ने नया इतिहास रच दिया है। 5G के साथ भारत पहली बार टेलीकॉम टेक्नोलॉजी में ग्लोबल स्टैंडर्ड तय कर रहा है, भारत लीड कर रहा है। आज इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाला हर व्यक्ति इस बात को समझ रहा है कि 5G इंटरनेट का पूरा आर्किटेक्चर बदल कर रख देगा। इसलिए भारत के युवाओं के लिए आज 5G बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर आया है। मुझे खुशी है कि विकसित भारत का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा हमारा देश दुनिया के अन्य देशों के साथ किस तरह कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। ये भारत की बहुत बड़ी सफलता है, डिजिटल इंडिया अभियान की बहुत बड़ी सफलता है। साथियों, जब हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं तो कुछ लोग समझते हैं कि ये सिर्फ सरकारी एक योजना है, लेकिन डिजिटल इंडिया सिर्फ एक नाम नहीं है, ये देश के विकास का बहुत बड़ा विजन है। इस विजन का लक्ष्य है उस टेक्नोलॉजी को आम लोगों तक पहुंचाना जो लोगों के लिए काम करे और लोगों के साथ जुड़कर काम करे। मुझे याद है जब मोबाइल सेक्टर से जुड़े इस विजन के लिए स्ट्रेटेजी बनाई जा रही थी तो मैंने कहा था कि हमारी अप्रोच टुकड़ों टुकड़ों में नहीं होनी चाहिए बल्कि होलिस्टिक होनी चाहिए। डिजिटल इंडिया की सफलता के लिए जरूरी था कि वो इस सेक्टर के सभी आयामों को एक साथ कवर करे। इसलिए हमने 4 पिलर्स पर और 4 दिशाओं में एक साथ फोकस किया। पहला, डिवाइस की कीमत। दूसरा, डिजिटल कनेक्टिविटी। तीसरा, डेटा की कीमत। चौथा, और जो सबसे जरूरी है, डिजिटल फर्स्ट की सोच। साथियों, जब हम पहले पिलर की बात करते हैं, डिवाइस की कीमत की बात करते हैं, तो एक बात बहुत स्पष्ट है, डिवाइस की कीमत तभी कम हो सकती है जब हम आत्मनिर्भर हो। और आपको याद होगा, बहुत लोगों ने आत्मनिर्भर की मेरी बात की मजाक उड़ाई थी। 2014 तक हम करीब 100% मोबाइल फोन आयात करते थे, विदेशों से इंपोर्ट करते थे। और इसलिए हमने तय किया कि हम इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेंगे। हमने मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को बढ़ाया। 2014 में जहां देश में 2 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थी, 8 साल पहले 2, अब उनकी संख्या 200 के ऊपर है। हमने भारत में मोबाइल फोन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए इंसेंटिव दिए, प्राइवेट सेक्टर को प्रोत्साहित किया। आज इसी योजना का विस्तार आप PLI स्कीम में भी देख रहे हैं।
इन प्रयासों का नतीजा बहुत पॉजिटिव रहा। आज भारत मोबाइल फोन उत्पादन करने में दुनिया में नंबर टू पर है। इतना ही नहीं, जो कल तक हम मोबाइल इंपोर्ट करते थे, आज हम मोबाइल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, दुनिया को बेच रहे हैं। जरा सोचिए, 2014 में जीरो मोबाइल फोन निर्यात करने से लेकर आज हम हजारों करोड़ के मोबाइल फोन निर्यात करने वाले देश बन गए हैं, एक्सपोर्ट करने वाले देश बन चुके हैं। स्वाभाविक है, इन सारे प्रयासों का प्रभाव डिवाइस की कीमत पर पड़ा है। अब कम कीमत पर हमें ज्यादा फीचर्स भी मिलने लगे हैं। साथियों, डिवाइस कॉस्ट के बाद जो दूसरे पिलर पर हमने काम किया वो है डिजिटल कनेक्टिविटी का। आप भी जानते हैं कि कम्युनिकेशन सेक्टर की असली ताकत कनेक्टिविटी में है। जितने ज्यादा लोग कनेक्ट होंगे इस सेक्टर के लिए उतना अच्छा है। अगर हम ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की बात करें तो 2014 में 6 करोड़ यूजर्स थे, आज इनकी संख्या बढ़कर 80 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। अगर हम इंटरनेट कनेक्शन की संख्या की बात करें तो 2014 में जहां 25 करोड़ इंटरनेट कनेक्शन थे, वहीं आज इसकी संख्या करीब करीब 85 करोड़ पहुंच रही है, 85 करोड़ पहुंच रही है। ये बात भी नोट करने वाली है कि आज शहरों में इंटरनेट यूजर्स की संख्या के मुकाबले हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट यूजर्स की संख्या तेजी से बढ़ रही है। और उसकी एक खास वजह है, 2014 में जहां देश में 100 से भी कम पंचायतों तक ऑप्टिकल फाइबर पहुंचा था, आज 1,70,000 से भी ज्यादा पंचायतों तक ऑप्टिकल फाइबर पहुंच चुका है। अब कहां 100 और कहां 1,70,000। जैसे सरकार ने घर घर बिजली पहुंचाने की मुहिम शुरू की, जैसे हर घर जल अभियान के जरिए हर किसी तक साफ पानी पहुंचाने के मिशन पर काम किया, जैसे उज्ज्वला योजना के जरिए गरीब से गरीब आदमी के घर में भी गैस सिलेंडर पहुंचाया, जैसे हमने करोड़ों की तादाद में लोग बैंक अकाउंट से वंचित थे, करोड़ों लोग जो बैंक से नहीं जुड़े थे आजादी के इतने साल के बाद, जनधन अकाउंट के द्वारा हिंदुस्तान के नागरिकों को बैंक के साथ जोड़ दिया, वैसे ही हमारी सरकार इंटरनेट फॉर ऑल, इंटरनेट फॉर ऑल के लक्ष्य पर काम कर रही है। साथियों, डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ने के साथ ही डेटा की कीमत भी उतनी अहम हो जाती है। ये डिजिटल इंडिया का तीसरा पिलर था जिस पर हमने पूरी शक्ति से काम किया। हमने टेलीकॉम सेक्टर के रास्ते में आने वाली तमाम अड़चनों को हटाया। पहले विजन की कमी और पारदर्शिता के अभाव में टेलीकॉम सेक्टर को तमाम मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। आप परिचित हैं कि कैसे हमने 4G तकनीक के विस्तार के लिए पॉलिसी सपोर्ट दिया, इससे डेटा की कीमत में भारी कमी आई और देश में डेटा क्रांति का जन्म हुआ। देखते ही देखते ये तीनों फैक्टर, डिवाइस की कीमत, डिजिटल कनेक्टिविटी और डेटा की कीमत, इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट हर तरफ नजर आने लगा। लेकिन साथियों, इन सब के साथ
एक और महत्वपूर्ण काम हुआ, देश में डिजिटल फर्स्ट की सोच विकसित हुई। एक वक्त था जब बड़े बड़े विद्वान, एलिट क्लास, उसके कुछ मुट्ठी भर लोग सदन के कुछ भाषण देख लेना, कैसे कैसे भाषण हमारे नेता लोग करते हैं, वे मजाक उड़ाते थे। उनको लगता था कि गरीब लोगों में क्षमता ही नहीं है, ये डिजिटल समझ ही नहीं सकते, संदेह करते थे। उन्हें शक था कि गरीब लोग डिजिटल का मतलब भी नहीं समझ पाएंगे। लेकिन मुझे देश के सामान्य मानवी की समझ पर, उसके विवेक पर, उसके जिज्ञासु मन पर हमेशा भरोसा रहा है।